कोर्ट ने वही फैसला दिया जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से कहा था कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन काम किया जाए और उसके सामने हम हर तरह की सफाई भी देंगे क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी में और रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं। तो इमरान खान और उनके साथियों की आज वो प्ली के वो प्रेयर कि वजीर आजम को नाहल करार दिया जाए उसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। ये जमहूरियत की पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हें तलब किया गया वो पेश होते रहे। रूल ऑफ लॉ के लिए हम समझते हैं कि हमारी तारीख के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि काजी ने जब भी हुक्मरान वक्त को बुलाया हुक्मरान वक्त काजी की अदालत में पेश होता रहा। तो ये GIT सुप्रीम कोर्ट की कायम करदा कमेटी है और जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे हम उनकी पाबंदी करेंगे और इंशाल्लाह ताला चूंकि ऐलान कर दिया था कि वो जलसे करेंगे और तहरीक चलाएंगे जिसका ये सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं और इस हुकूमत को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से हर कीमत पे रोकना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारी हुकूमत मई 18 तक मुकम्मल हुई तो 17 और मई 18 के दरमियान जो बिजली के मंसूबे अब आखिरी मराइल में हैं वो मुकम्मल हो गए तो लोड शेडिंग अगले साल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह इलेक्शन खत्म हो जाएगा।